बहुत कैड़ा पहुंचे हैं। बस का कंडक्टर ने भी लड़ाई कर ली मौसम। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज का वीडियो ब्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, तो इस समय हम जा रहे हैं गांव और ही नितारा के पापा हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो बैग मैंने जमा लिया है और सुबह के बजे हुए हैं 5:30। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर से, तो ये छोड़ के आएंगे। मैं और यशु नितारा जा रही है पहली बार अकेले, तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा होता है। बने रहिएगा हमारे वीडियो के संग। और पहली बार मैं और नितारा और यशु जा रहे हैं तीनों, और अकेली सफ़र करने वाली हूँ बच्चों के साथ। देखते हैं कि सफ़र कैसा होता है। और अलकल कम चाड़ा भी हो गया, छोड़ के आता हूँ बिठा के, क्योंकि मैं जाने वाला हूँ बाद में। तो अभी ये इनके इसके पीयर जाने वाली है, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है, वहाँ पे तो अचानक जाना पड़ रहा है दोस्तों। तो और आगे बताएगी खेलू इसको, फिर जाना पड़ रहा है। चलो मैं लाइट बंद करके आता हूँ। तो बैठ गए नितारा यशु और मैं भी बैठ जाती हूँ। यशु हेलो करो बेटा, हेलो कर दो बेटा। हाँ तो बैठ जाती हूँ। दोस्तों अब हम आगे पहुँचे जंक्शन स्टेशन पर, तो अब यहाँ से हम जाने वाले हैं, मेरे पापा घर जाने वाले हैं। और इधर दोस्तों यशु खड़ा हुआ है और इधर नितारा खड़ी हुई है, क्योंकि मैं तो अभी वापस जा रहा हूँ और अभी वापस आऊँगा 2-3 दिन बाद, क्योंकि अभी कोई ज़रूरी काम आया है इसलिए इनको छोड़ के जाना पड़ रहा है। और स्टेशन पर इनका रिजर्वेशन करा दिया था अचानक। अब चल दिए हम दोनों नितारा और यशु, अब अंदर जा रहे हैं एक बार। चलो अब आ गए हम यहाँ पे बैठने वाले हैं। फोन में हमारा जो भी है रिजर्वेशन करवा दिया था हमने एक सीट का, तो अब हम बैठ जाते हैं। यशु नितारा देखो कैसे जाग रहे, दोनों का हाथ पकड़वा रखा है वैसे तो। बैठ चले, आ जाओ इधर आ जाओ, गाड़ी भी आ गई है। अब बैठ गए हम लोग ट्रेन में, यशु का वापस ले रहा है और इधर की तरफ बैठे नितारा, तो अभी तो वैसे ही बैठे हैं। और ट्रेन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, कम ही है, तो अभी तो हम बैठे हैं और देखते हैं ज़्यादा भीड़ आती है तो हमारी सीट ये नहीं, हालांकि क्योंकि वैसे ही बैठ गए बच्चों को जितनी भी, हम यहाँ पर बैठे हैं खिड़की के पास इसलिए, तो हमारी सीट तो पीछे की तरफ है। ये सब गेम खेलने लग गया रे, अब हो गए तेरे टाइम। और इधर नितारा भी सो गई है, इनकी गोदी में सो गई है। हेलो कर दो, हेलो कर दो। तो ये वैन मिली थी हमको रास्ते में और हम संग संग में ही जा रहे हैं बैठ के। नितारा देखो गोदी में सो ली। तो अब आ गया है हमारा स्टेशन, हम यहाँ से उतरने वाले हैं। चलो यशु चलो, आपको बहुत ले चलते हैं, चलो चलो। तो अभी तो गाड़ी चल रही है, रुकी नहीं है, और यशु सो गया था तो अभी जगा है। तरह ना हेलो कर लो, हेलो तो कर जाओ। तो अभी तो हम जा रहे हैं मैं यशु और ये दीदी पहचान गई, मैंने पहले से ही मुंह धोवा रखा है लेकिन पहचान गए। तो अब तो हम पुलिया पे चढ़ने वाले हैं, स्टेशन पे से आ गए हैं और ये दोनों दंगा करते हुए चल रहे हैं। यशु परेशान कर रहा है वो जा, हाँ यशु नितारा इधर क्या खा रहे हो? चिप्स। तो यहाँ पे खड़े हैं सभी लोग, बस का वेट कर रहे हैं, हम लोग भी यहीं पे खड़े हैं, बहुत नीचे से आए हैं, थक गए हैं बिल्कुल। अभी बस आएगी तो उसमें बैठ के जाएंगे हम लोग। हो गया खा लिया? अच्छा अभी तो बस दिखाई भी नहीं दे रही है दूर दूर तक। तो बैठ गए हम बस में,
इसने बैठ, तो बस बिल्कुल फुल भरी है। हम मेरी गोदी में यशु बैठा है। थोड़ी देर रुकेगी, फिर उसके बाद चलेगी। और सभी परेशान हो गए अभी, लेकिन पानी बोतल आने दो, सभी परेशान हो गए। आ गई उन्नी तरफ आएगी तब लेंगे। तो अब यहाँ पे ये भैया जी है ना, उतार नहीं रहे हमको, बोल रहे तो भाई हम बालाड़ी मोड़ पे यहाँ पे लेने के लिए आए हैं हमको ये, और बुआ जी ने लिया हमारी ये। तो अब हम सभी साथ में जा रहे हैं। ये कौन है बुआ जी, आप ससुर? ये बुआ जी के ससुर जी है, और यशु नितारा ये खड़े यहाँ पे। यशु खा गए हो? ये आपको पता ना है, भुजरो ना था जाए बेला में। यशु गाड़ी बैठर चलेगा, रोज फेरा हूँ चप्पल जूता, फिर जा रही है बाप घर पे। यहाँ से अंगूर खरीद रहे हैं। वो अभी आप भी खरीद रही हो ना? तो अब अंगूर खरीद लेते हैं एक बार, फिर जा रहे हैं हम। ठीक है, हम तो जा रहे हैं ना। तो अब आ गए हम घर पे, और घर पे देखो ये जी जी खा रही है, इंतजार कर रही थी कब आएगी खेलो। तो बहुत कड़ा पहुंची है बस का कंडक्टर ने, भी लड़ाई कर ली मौसम ड्राइवर वा पैसा ले ना जाने नुके, तो जयपुरी ले जाऊंगो यहाँ उतार ना थार बालाड़ी मोड़ नुखे, या स्टॉक ना आया। फिर वहाँ से आयो, और यहाँ पे भाभी जी है। तो अभी तो हम खड़े हुए हैं और बच्चे भी खेल रहे हैं। यशु नितारा तो अंदर गए, फोन आ रहा है नहीं तरफ, पापा को आ रहा है। हेलो पापा, बच्चों खाने रहा था फोन देख रहा है नहीं तो ना। यहाँ पे ना मेरी जीजी की तबीयत थोड़ी खराब थी, तो मतलब इन्होंने बताया नहीं था कि तबीयत खराब है, तो यहाँ पे आके पता चला कि बहुत तबीयत खराब हो गई थी कल रात को भी। और वैसे भी हमें ना किसी काम की वजह से आए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ना बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई थी हमको बस में, कंडक्टर है ना वो मतलब ऐसे बोल रहा था कि आपको यहाँ पे नहीं उतारेंगे जबरदस्ती है। खैर जीजी से मिलके बहुत अच्छा लगा है मुझे। अब आप सभी को बताना मेरा वीडियो कैसे लगा है। और अभी तो बच्चे हैं जो कुछ टीवी देख रहे हैं, कुछ फोन देख रहे हैं, और सभी ऐसे ही काम लग रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है दोस्तों, ठीक है, बाय आप सभी को।